फ्री में यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे जैसे दिखने वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों, मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिल्ली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपको पता तो लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, MBA आफ्टर BCA किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, एलिजिबिलिटी भी पता लगी होगी, ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ बात करेंगे हम। और अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। MBA आफ्टर BCA जी बिल्कुल जैसा कि लिखा हुआ है, एलिजिबल है या नहीं। अब बिल्कुल एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी MBA की ये कहती है कि एनी ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन आर एलिजिबल। तो अगर आपके इतने परसेंट मार्क्स है तो आप एलिजिबल है बिल्कुल। और ड्यूरेशन कितनी, 2 साल की होती है ड्यूरेशन। तो दोस्तों, किन लोगों को MCA करना चाहिए और किन लोगों को MBA करना चाहिए उस पर बात हो रही है। तो दोस्तों, MBA उन लोगों को करना चाहिए जो कोडिंग वगैरह, जिनको सॉफ्टवेयर बनाना, जिनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और उन लोगों को बिल्कुल MBA करना चाहिए। वो बिल्कुल MBA के लिए एलिजिबल है। MBA 2 साल का होता है जबकि MCA 3 साल का होता है, तो 1 साल आपका MCA में ज़्यादा होता है। और किन लोगों को MCA करना चाहिए, MCA बिल्कुल टेक्निकल कोर्स है, इसमें आप कोडिंग वगैरह, कंप्यूटर कोडिंग, कोडिंग वगैरह सीखते हैं, आगे डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सारे कोर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों में, इन फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप MCA करिए। दोस्तों, लोग चूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कई कई लोग होते हैं वो, उनको कोडिंग वगैरह भी अच्छी लगती है बट वो पैसा देखते हैं कि यार पैसा MBA में ज़्यादा है इसलिए MBA करते हैं, MCA में पैसा इतना नहीं है। दोस्तों, पैसा डिपेंड आपका MBA MCA पे नहीं करता, ये आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है और आप किस कॉलेज पे इसे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो अगर आप कि अगर आप कोडिंग वगैरह में अच्छे हैं तो अगर आप MCA करना चाहते हैं तो यही रिक्वेस्ट है कि MCA भी अच्छे कॉलेज से करना, टॉप के कॉलेज से करना, तो आपकी जो आपका जो स्किल है उसको राइट डायरेक्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो आप जितनी मेहनत करेंगे उसको आपका जो प्लेसमेंट, एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी अगर आपका कॉलेज अच्छा है। और MBA की भी जहाँ तक बात रही कि MBA में भी पैसा बहुत है अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं, तो अगर आप MCA BCA के बाद MBA करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये देख लीजिए कि आप का जो कॉलेज हो MBA का वो बहुत अच्छा हो। मैं तो कहूँ टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 30 में बिल्कुल आना चाहिए आपका, तो आप अच्छा कमा सकते हैं बिल्कुल। 17-18 लाख, 20 लाख तक का भी पैकेज जाता है, इससे कहीं ज़्यादा भी जा सकता है। आपके बाकी आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आपका अच्छा कॉलेज हो, डेफिनेटली आप जो मेहनत करेंगे उसको आपका, उसका फल आपको मिल जाएगा, इसका ये रहता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं मिला आपको MBA का या फिर MCA का तो आप कर नहीं सकते। दोस्तों, बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मेहनती हैं, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छे हैं, आपके आप मेहनत करते हैं, आप ऑनेस्टली वर्क करते हैं, तो आपको बिल्कुल आप बन सकते हैं, अच्छी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। बट अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो आपको एक अच्छा किक स्टार्ट मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपको जैसा बताता हूँ कि एक बंदा है, दो बंदे हैं, ए और बी। लेट सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ए और बी दोनों इक्वली मेहनती है, दोनों की स्किल्स वगैरह सब बराबर है, ठीक है। बट ए के जो सिलेक्शन हुआ है वो, लेट सपोज दोनों MBA कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों बराबर है, बट ए ने एंट्रेंस में इतनी मेहनत नहीं की, बी ने मेहनत कर ली, तो बी अच्छे कॉलेज में है और ए जो है एवरेज कॉलेज में। तो अब एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट दोनों ने MBA में बराबर मेहनत की, बट जब प्लेसमेंट की बारी आई तो जबकि बी अच्छे कॉलेज में था तो बी को अच्छी कंपनीज मिली प्लेसमेंट के समय, तो बी का पैकेज लग गया 17-18 लाख का। और ए जो कि एवरेज कॉलेज में था, मेहनत उसने भी बहुत की, बराबर की, बट उसका पैकेज लगा 3-4 लाख रुपए का, 4 लाख का, 5 लाख का, लेट सपोज। तो अब आप ये देखिए कि जहाँ बी है आपका, बी आपका 17-18 लाख पर है और ए आपका यू नो 4-5 लाख पे है, तो अब 4-5 साल बाद अगर हम देखते हैं तो फ़र्क तो आएगा ना। आप 5 लाख की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और एक 18 लाख का उसने स्टार्ट किया, तो डेफ़िनेटली कॉलेज मैटर करता है, क्योंकि अच्छा कॉलेज में फैकल्टी वगैरह अच्छी मिल जाती है, प्लेसमेंट टीम अच्छी मिल जाती है, क्राउड अच्छा मिल जाता है, तो इट डेफिनेटली मैटर्स। चाहे वो MBA हो, MCA हो या कोई भी मास्टर डिग्री हो, आपका कॉलेज ज़रूर मैटर करता है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे कॉलेज से करिए। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था, आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि कब MCA करना है, कब MBA करना है या कब कोई और कोर्स करना है। तो पहले अपना देख लीजिए, समझ लीजिए आपको क्या अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग करिए। मुलाकात होगी। इन द मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी के कमेंट आते हैं। और
आई होप मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। उसके बाद अगर आपके कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना यार, लाइक करना। और अगर आपके कोई दोस्त वगैरह MBCA कर रहे हैं या वो कर चुके हैं या कन्फ्यूजन में है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो राइट डिसीजन ले सके राइट अमाउंट राइट टाइम पर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। हैव अ नाइस डे।